तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप एकदम इजीली यहाँ पे मिथिक आइटम कैसे ले सकते हो, एकदम इजीली यहाँ पे फ्री में आपको मिथिक आइटम कैसे मिलने वाला है। और जो न्यू एक सूट आया है ओशियन आर्कलोड एक सूट, आप इसको कैसे फ्री में स्पिन कर सकते हो, वो भी एक बार नहीं टोटली 6 बार एकदम इजी फ्री में स्पिन कर सकते हो। एंड ये कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है, फुल वीडियो को वॉच करना एंड पूरी वीडियो देखे बिना आप कमेंट मत करना तो भाई फेक वीडियो क्लिकबेट वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ सिंपल सो लॉजिक बताने वाला, ऐसा कोई भाई आपको वरदान नहीं दे दूंगा हर में आपको मिथिक मिलने वाला है, सिर्फ लॉजिक बताने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको एकदम इजी यहाँ पे मिथिक आउटफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ किया, जो मैं आपको यहाँ पे अपना मतलब जो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है मैं वहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो ओशियन आर्कलोड एक सूट आ चुका है एंड इसके अंदर के यहाँ पे आप देख सकते हो रिवार्ड, बहुत ही तगड़े तगड़े रिवार्ड है। एंड यहाँ पे पबजी मोबाइल वाले ने फिर से हमारे साथ स्कैम कर दिया है, मतलब फिर से, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 2 बार स्कैम हो चुका है, वो भी आपको वीडियो में आगे कवर कर लूंगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 बार स्पिन कर लिया, यहाँ पे देख सकते हो नीचे 5 बार है तो मेरे 2 बार भर चुके हैं, मतलब 2 बार यहाँ पे मैंने स्पिन कर लिया। एंड दोनों बार में मेरे क्या क्या रिवार्ड निकले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपका 5 बार कंप्लीट हो जाता है तो आप पर्सनली सिलेक्ट कर सकते हो कि मतलब कौन से एक सूट का आप स्पिन करना चाहते हो, मतलब 5 सूट है तो आप 5ों सूट में से अपना कौन सा स्पिन करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 5 बार स्पिन करोगे तो आपका जो चांस है 90% इंक्रीज हो जाता है कि आपको अच्छा खासा रिवार्ड देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट स्पिन है मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं था मिथिक आउटफिट निकलने वाला है लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। एंड वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड कैसे निकला वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिंपल सा फंडा होता है कि यार अगर आप सबसे पहले स्पिन करते हो सबसे पहले कैसे स्पिन करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आप फ्री में स्पिन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 300 सिल्वर फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप 300 सिल्वर फ्रेगमेंट लगा के स्पिन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 300 सिल्वर फ्रेगमेंट लगा के स्पिन कर दिया एंड यहाँ पे मेरा जो चूस हुआ है वो अपना ओशियन आर्कलोड एक्स सूट में यहाँ पे स्पिन हो रहा है। एंड ये देख सकते हो मेरा मिथिक इमोट यहाँ पे एकदम इजिली यहाँ पे निकल चुका है। तो ये जो मेरा इमोट निकला है वो टुक्के से निकला है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपका भी यहाँ पे निकल सकता है मिथिक इमोट या फिर अच्छा खासा रिवार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा फंडा यार देखो, सुबह सुबह जब यहाँ पे मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में जो पबजी का सर्वर होता है बहुत ही रिफ्रेश रहता है। एंड ये बात की बात हो गई कि मॉर्निंग में रिफ्रेश रहता है, अगर आपका कोई भी इवेंट आता है कोई भी एक सूट आता है या फिर कोई भी स्पिन आती है अगर उसको आप जितना जल्दी स्पिन करते हो, मतलब जैसे आज ही आए तो अगर आप उसको आज ही स्पिन करते हो तो आपको एकदम ईजिली यहाँ पे मतलब अच्छे खासे रिवार्ड मिल जाते हैं। ये मैं कोई ऐसे टुक्का नहीं बोल रहा, मतलब आपको ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे कुछ लॉजिक है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि क्राउन एस के बाद सीधा कॉनकोरर दे दिया जाता है स्टार्टिंग के 500 बंदे को, इसलिए जब हमारी न्यू सीजन आती है तो बंदे तुरंत रैंक पुश करने को सोचते कि हमको डायरेक्ट कॉनकोरर मिल जाए। और वही चीज़ आप सोच लो भाई वीक 2 वीक 3 के बाद कॉनकोरर पुश करना कितना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी फॉलो होती है कि अगर आप तुरंत स्पिन करते हो तो यहाँ पे आपको एकदम ईजी मतलब गारंटेड रिवार्ड या फिर बोल सकते हो एकदम ईजी यहाँ पे अच्छे खासे रिवार्ड देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह स्पिन कर 6:30 बजे की रिकॉर्डिंग है, मतलब 6:30-7 बजे की रिकॉर्डिंग है, जैसे एक सूट आया था मैंने तुरंत स्पिन कर दिया तो यहाँ पे जो मेरा चांसेस एकदम हाई था एंड यहाँ पे मुझे एकदम इजी मिल चुका है। एंड ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जाके लेविनो सोवियो या फिर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो स्पिन कर रहे हैं उनको जाकर उनका वीडियो देखना, वहाँ पे भी उनको अच्छे खासे मिथिक आउटफिट निकले हैं और वो भी एकदम सस्ते में, मतलब जितना वो लोगों ने डीपी की स्किन एंड बाकी स्पिन में खर्च नहीं किया होगा उतना उनको इस चीज़ में मिल गया। मतलब एक सूट जो ये आया है इसमें मिथिक आउटफिट एंड मतलब अच्छे खासे रिवार्ड बहुत इजीली मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आपके पास सिल्वर फ्रेगमेंट है तो बचा के मत रखना। एंड यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप एकदम इजी स्पिन कर सकते हो 6 बार, मतलब तो वो कैसे आपको स्पिन करना मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई एक बार स्पिन करने के लिए आपको 300 सिल्वर फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ेगी एंड यहाँ पे आपको 5 बार स्पिन करना है तो 1500 सिल्वर फ्रेगमेंट आपके पास होगा ही होगा। एंड अगर आपके 1500 सिल्वर फ्रेगमेंट रहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ आप उसको कैसे ले सकते हो, ये चीज़ आपको एकदम इजी मिल जाएगी 1500 सिल्वर फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे 5 बार स्पिन कर दोगे तो 6ठी बार आपको स्पिन करने के लिए, तो भाई 6ठी बार अगर आप स्पिन करते तो आपका मतलब जो चांसेस है वो 90% इंक्रीज हो जाता है कि आपको अच्छा खासा रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो 6ठी बार स्पिन करना है तो आपको 60 UC लगा के स्पिन कर देना। एंड यहाँ पे बोलोगे भाई हमारे पास 60 UC मतलब अगर हम लगा देते तो यार हम C1S2 का रॉयल पास कैसे ले पाएंगे, तो उसके पीछे आप ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। C1S2 का रॉयल पास आपको 300 UC में मिलता है एंड जो आपका ये इवेंट मतलब रॉयल पास होता है मंथ 1 मंथ 2 के अंदर, तो इसके अंदर आपको 300 UC के अंदर ही आपको रॉयल पास मिल जाता है। एंड जो रिटर्न में आता है वो आपको 360 UC रिटर्न मिलता है, मतलब आपको 300 में रॉयल पास मिलता है 360 UC का रिटर्न मिलता है, तो वही आप 60 UC स्पिन में यूज कर सकते हो। मतलब 5 बार आप सिल्वर फ्रेगमेंट से करना 1500 सिल्वर फ्रेगमेंट से एंड 6ठी बार आप यहाँ पे एकदम इजी मतलब अपने यूसी से कर सकते हो। एंड मैंने भी एक बार यूसी से किया एंड मेरे सिल्वर फ्रेगमेंट मेरे पास नहीं थे, बट मैं वापस इसको स्पिन करने वाला सिल्वर फ्रेगमेंट से, वो भी अपनी ट्रिक यूज करके फ्री वाली। तो अभी बोलोगे भाई फ्री में कैसे मिलेगा सिल्वर फ्रेगमेंट, तो यार मैं आपको नहीं दे रहा हूँ ना पबजी वाला दे रहा है, मतलब पबजी वाला ही देगा, BGMI वाला देगा। कैसे देगा आपका जैसे यहाँ पे मंथ 1 एंड मंथ 2 अभी स्टार्ट है, मंथ 2 खत्म होने के बाद
S1 S2 आने वाला है, मतलब नया साइकिल वन सीजन वन आएगा, तो उसके अंदर यहाँ पे आपके सारे टायर रिवार्ड मिल जाएंगे। आप क्राउन पे गए थे, एस पे गए थे, आपका नेम टैग मिल जाएगा, आपका टाइटल मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको 800 सिल्वर फ्रेगमेंट, 1200 सिल्वर फ्रेगमेंट, 1800 सिल्वर फ्रेगमेंट, आपका जितना हाईएस्ट टायर होगा क्राउन एस कॉनकरर उसके हिसाब से आपको सिल्वर फ्रेगमेंट मिल जाएंगे। एंड आप एकदम इजी स्पिन कर सकते हो, मतलब आपको एकदम इजी यहाँ पे सिल्वर फ्रेगमेंट मिल जाएंगे एंड आप एकदम इजीली यहाँ पे स्पिन कर सकते हो। एंड बोलोगे भाई एक सूट चला जाएगा, भाई एक सूट का जो जाने का डेट है मैं आपको बता देता हूँ, एक तारीख को जाएगा, वो भी 10वें महीने में। तो अभी ये जो हमारा मंथ 2 करोल पास है बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, सिर्फ 3 वीक बचे हैं, तो वेट करना अपने मंथ 3 के रोल पास, मतलब मंथ 3 ने C1S2 का वेट करना। एंड C1S2 के बाद आप इसको एकदम इजी फ्री में स्पिन कर सकते हो। बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आपके पास सिल्वर फ्रेगमेंट है तो यार उसको बचा के मत रखना, स्पिन कर लेना, आपका जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस लिए, इस एक सूट के अंदर मिथिक आउटफिट या फिर मिथिक इमोट या फिर लेजेंडरी जो भी है बहुत ही अच्छे खासे रिवार्ड देखने को मिल रहे हैं। तो सिल्वर फ्रेगमेंट बचाने के फिराक में मत रहना, 6 बार जरूर स्पिन करना अगर आपके पास सिल्वर फ्रेगमेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना, एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लेफ्ट राइट वाली जो वीडियो चाहो वो आज कर सकते हो चैनल पर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।